क्या आप आईटी से मास्टर करना चाहते हैं या क्या आप आईसी बेंगलुरु से इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें बने रहिए अंतिम तक, बिना स्किप किए हुए आपको सारी जानकारी मिलेगी। वेलकम बैक, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोडोंटोलॉजी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैम 2022 के बारे में। इसी को हम लोग आईआईटी जैम के नाम से भी जानते हैं और आज ही इसका लास्ट डेट है। अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो आज ही अप्लाई करिए, क्योंकि आज ही इसका लास्ट डेट है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें जान लेना चाहिए। आज हम लोग सब कुछ बात करेंगे आईआईटी जैम के बारे में। तो ये एग्जाम होता क्यों है? ये एग्जाम होता है अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, जो 2 ईयर कोर्स होता है, प्रोग्राम होता है, उसके लिए। अगर आप ज्वाइंट एमएससी पीएचडी कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए। एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है या डुअल डिग्री कोर्स है, उसके लिए कर सकते हैं, अलग अलग भी और इंटीग्रेटेड भी। और अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो होता है, बैचलर के बाद जो डिग्रियां होती हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जैम होता है कहाँ के लिए, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं जैम में पास होने के बाद? आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटीज में। यहाँ आईआईटीज के नाम दिए हुए हैं, इस आईआईटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम में पास होने के बाद एडमिशन के लिए। और उसके अलावा आईआईसी बेंगलुरु में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं आप? काफी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप अगर बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं जिस पर जैम 2022 एग्जाम लेने वाली है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी अकेडमी का लिंक दिया है, जहां जाकर आप सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है? ये एप्लीकेशन ओपन हुआ था अगस्त में ही, 25 अगस्त को, वेडनेसडे को, और इसका जो है 11 अक्टूबर को लास्ट डेट था। इसका डेट बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दिया गया है, यानी कि आज ही लास्ट डेट है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। 14 अक्टूबर है और ये लास्ट डेट है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड आपको 4 जनवरी के करीब में आ जाएगा, जो यहाँ डेट मेंशन है। ये सारे डेट टेंटेटिव हैं, 4 जनवरी को आ जाएंगे। इसके बाद इसका एग्जामिनेशन जो है वो 13 फरवरी को है, 13 फरवरी संडे है, उसी दिन इसका एग्जाम है, और रिजल्ट 22 मार्च को दे देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन उनके अप्रूव्ड साइट से, जो उसको कंडक्ट करा रही है, आईटी रुड़की इस बार कंडक्ट करा रही है उसको, वहीं से कलेक्ट किया गया है। आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए इसका सिलेबस वगैरह वहां पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का डेट तो हम लोग जान गए, 13 फरवरी को है। 2 सेशन में होता है, फोरनून सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, जो कि हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं अभी, क्योंकि ये बायोलॉजी चैनल है और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को ही यहाँ पे प्रिपरेशन भी कराते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उसी पे हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए हॉर्मोन में एग्जाम होने वाला है। आप एक से अधिक पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसका एग्जाम एक ही समय पे ना हो, अलग अलग समय पर हो, तो आप भर भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST PWD हैं, तो आपके लिए वन टेस्ट के लिए, एक ही पेपर के लिए 750 रुपये का फी है और अदर कैटेगरी के लिए 1500 रुपये है। अगर आप दो पेपर कंडक्ट करना चाहते हैं, आप दो पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1050 लगेंगे और अदर कैटेगरी के लिए 2100 रुपये लगेंगे। ये इसका एग्जामिनेशन फी है, जो आपको फॉर्म भरते समय ही पे कर देने हैं। ये सब डेट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या डेट है इसका, इंपॉर्टेंट डेट्स। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है? 3 सेक्शन होते हैं इसके। सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि कोई एक सही होगा इसमें।
इसमें 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन हुए। सेक्शन बी में 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और ये 10 क्वेश्चन कैसे होते हैं, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा आंसर इसमें हो सकता है और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये सेक्शन ए में जैसे कि 1 मार्क्स का था, वैसे ही सेक्शन सी में भी 1 मार्क्स न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के लिए, यानी कि 1 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चंस हुए और 2 मार्क्स के टोटल 40 क्वेश्चंस हुए। टोटल मार्क्स जो है वो 100 का होता है इसका एग्जाम, और ये एग्जाम 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स के होते हैं। अब निगेटिव मार्किंग क्या बात है, निगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें मार्किंग का 1/3 निगेटिव, अगर आप गलत करते हैं तो सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, यानी कि सेक्शन बी में देर इज नो निगेटिव मार्किंग एंड नो पार्शियल मार्किंग। सपोज करिए कि उसका 2 आंसर सही है, आपने कोई एक क्लिक किया तो निगेटिव भी नहीं है लेकिन उसका मार्किंग भी नहीं है, आपको पार्शियल मार्क भी नहीं मिलेंगे। और सेक्शन सी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये बातें ध्यान देनी चाहिए सर, क्वेश्चन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आपको सबसे पहले वही समझना चाहिए कि किसमें निगेटिव मार्किंग है किसमें नहीं है, कैसे मुझे सेलेक्ट करना है किसमें 1 आंसर सही होगा किसमें 1 से अधिक आंसर सही है। क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब सिलेबस क्या है, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करें जो कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं अभी, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी लेवल क्या है, 10+2+3, यानी कि बीएससी लेवल के क्वेश्चन इसमें होंगे। केमिस्ट्री में भी वही है, 10+2+3 लेवल, यानी कि बीएससी लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन दोनों में 10+2 लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी के फील्ड में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बहुत हार्ड लेवल का ना तो सिलेबस होता है बीएससी एमएससी बायोलॉजी वाले के पास, और ना ही इसमें पूछे भी नहीं जाते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 10+2 लेवल के क्वेश्चन होंगे, वही आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 10+2+3 यानी कि बीएससी लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। इसका सिलेबस भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, मैं बस इसका ओवरव्यू अभी दे रहा हूं, आप उसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिलेबस सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इवोल्यूशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट बायोलॉजी है, एनिमल बायोलॉजी है, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावे कुछ टेक्निक्स हैं इसमें, मेथड्स इन बायोलॉजी, जैसे कि सेल बायोलॉजी का मेथडोलॉजी, बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेक्निक्स है, ये सब आपको रिविजन करना है। क्योंकि बीएससी में अगर आप हैं और आप अगर एमएससी करना चाहते हैं वहां से, तो ऑलरेडी आपने ये सब पढ़े हैं, आपके सिलेबस में ये सब है, आपको बस रिविजन करना है। और आपके पास 3 महीने का समय है, अभी फरवरी में एग्जाम है और अभी आपके पास अक्टूबर है, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी, 3 महीने का समय आपके पास पर्याप्त है इसको रिविजन करने के लिए। केमिस्ट्री में भी वैसे ही है, 10+2+3 लेवल का है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। और मैथमेटिक्स में सेट्स हैं, रिलेशंस हैं, फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस टॉपिक को एक एक करके देख सकते हैं। और मेनली इसमें 2 टॉपिक और मेंशन किया गया है, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में हैं तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स आपने कवर किए ही किए हैं, आपके सिलेबस में जरूर होगा। इसके बाद फिजिक्स 10+2 लेवल के हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। मैंने देखा है इसमें कि जो आपका 11 और 12 का फिजिक्स है वो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। 11 12 का फिजिक्स आपने पढ़ा है अच्छे से तो आसानी से ये सेक्शन आप बना सकते हैं। तो ये था सिलेबस और ये थे इसके डेट्स। अब इसके सेंटर कहाँ कहाँ है, क्या आपके सिटी में है कि नहीं, तो मैंने यहां लिस्ट कर दिया है कि कहाँ कहाँ उसके सेंटर आते हैं। आप आराम से देख सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा सेंटर है, जब आप फिल करेंगे तो आप उसको आसानी से लोकेट कर सकें। इसमें 8 जोन है,
जैसे कि बेंगलोर जोन, बॉम्बे जोन, दिल्ली जोन, गुवाहाटी जोन एंड कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की जोन है। इसमें से जो आपके नियर बाय है आप वहां सेंटर दे सकते हैं। ये सिटीज थे जहां पे इसका एग्जाम होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहले इसके कुछ नियम थे, अब उसको बदल दिए गए हैं। पहले कुछ नियम थे कि आपको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट या क्वालिफाई होना ही होगा, अब ये नहीं है। अब है कि सिर्फ आपको पास होना चाहिए, और अगर आपके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है उसका कि आप प्रमोट किए गए हैं या पास हो गए हैं, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द HOD हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मस्ट मेंशन द सब्जेक्ट टेकन इन द सेमेस्टर येट टू इवेल्युएट द MEQ रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो आप अपने हेड से साइन करा के भी दे सकते हैं, अगर आप प्रमोटेड हैं तो एग्जाम आप दे सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस पॉलिसी को भी पढ़ सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, और आपको 30 सितंबर तक आपको ये चीजें सबमिट कर देनी होंगी। ठीक है, जब आप एडमिशन ले रहे होंगे ये तब का प्रोसेस है। आप पास हो गए और 30 सितंबर तक फिर आपको सब चीजें सबमिट करना है जब आपको एडमिशन लेना होगा। ये सब एडमिशन का प्रोसेस है, एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है। बस आप क्वालिफाई होना चाहिए, इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फुलफिल कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। अगर इसका कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब कोटन एकेडमी इसके लिए कोर्स लाई है, जो कोटन बायोलॉजी अभी आप देख रहे हैं। दुर्गा पूजा का अभी ऑफर चल रहा है, जेम 2022 के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है कोटन बायोलॉजी ने, जिसमें से एक कोर्स है जो रेगुलर बेसिस पे है। 4 क्लास इन ए वीक आपके दिए जाएंगे और 5 मॉक टेस्ट है इसमें, और आपको गाइड दिया किया जाएगा कि कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कंप्लीट करने के लिए टोटल कोर्स को, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको गाइड किए जाएंगे। और इसका फी जो है अभी ऑफ है 25% और पेएबल है ओनली, अगर एक टाइम में पे करते हैं आप तो 4,000 रुपीज, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो 2500 प्लस 1500, और अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो 1500 पर मंथ देकर आप यहां से कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अगर तैयारी कर ली है, तो खुद को जांचने के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, जिसमें से 10 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 3 टेस्ट बायोलॉजी से हैं, 3 टेस्ट केमिस्ट्री से हैं, और 2-2 टेस्ट जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से है इसमें, और 5 मॉक टेस्ट है। सारे CBT मोड में होंगे, क्वेश्चन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे IIT जैम में आपके क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जैसे लिया जाएगा सेम टू सेम लेआउट होगा। या आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा आपको प्रीव्यू में लेना है, कौन सा क्लिक करना है, वो सारे उसी तरह से होंगे सेम टू सेम। इसके लिए 2 पैकेज तैयार किया हमने। अगर कोई अच्छे से पूरी तरह से तैयार है तो वो सिर्फ टेस्ट सीरीज पैकेज 1 ले सकता है, जिसमें से उसको बस 999 रुपीज पे करना है, और उसके लिए 15 टेस्ट उसको दिए जाएंगे विद आंसर की, क्वेश्चन टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया है, कौन सा क्वेश्चन सही किया है, या कौन सा क्वेश्चन पे कितना समय आपने दिया, एकदम माइक्रो एनालिसिस क्वेश्चन का टेस्ट का मिल जाएगा। अब है टेस्ट सीरीज का पैकेज 2, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। जैसे कि आपने टेस्ट दे दिया, अब आपको कोई डाउट है या डिटेल आपको सॉल्यूशन चाहिए उस क्वेश्चन का, तो हमारे मेंटर के साथ आपके क्लास अरेंज किए जाएंगे और हमारे मेंटर उसको डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको समझाएंगे कि ये कैसे होता है। यानी कि सिंपल समझिए हो गया क्वेश्चन टू कोर्स के तरफ, क्वेश्चन के आधार पर आपको कोर्स का कंटेंट समझाया जाएगा, और इसके लिए सिर्फ आपको पे करना है अभी 3,000 रुपीज ओनली। अगर आप 2 बार में पे करना चाहते हैं तो 2,000 प्लस 1,000 के करके पे कर सकते हैं। अभी ऑफर है 50% ऑफ है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमें व्हाट्सअप करिए अपना नाम और अपना क्लास, इंस्टीट्यूट, कहाँ आप पढ़ रहे हैं, आपका क्या नाम है, और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे साइट पर जाइए, वेबसाइट www.coronacademy.com पे, और वहां भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है।
एक कॉम्बो पैक है, अगर किसी को सब कुछ चाहिए कंप्लीट पैकेज तो आपको सिर्फ 6000 पे करने हैं, जिसमें सबको क्रैश कोर्स मिलेगा 3 मंथ का, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा और पीडीएफ सपोर्टिंग मटेरियल मिलेगा, कुछ स्ट्रेटजी गाइडेंस सब कुछ मिलेगा। ये कंप्लीट पैकेज है टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स का। और किन्हीं को सिर्फ कोर्स करना है और टेस्ट सीरीज लेना है तो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। मैंने क्यों इसको अलग अलग पैकेज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसकी तैयारी हो गई रहती है, उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होता है, किन्हीं को लगता है कि नहीं मैंने सब कुछ मुझे पढ़ना है और फिर टेस्ट देने हैं, कि आपने जो गाइडलाइन तैयार किया है कि कैसे तैयार करना है उस हिसाब से चलना है, तो कंप्लीट पैकेज को प्रीफर करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके सहूलियत के लिए है कि आप किस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उस तरह से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हर तरह की चीजें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।